दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय मदनपुर में हैं। मदनपुर से मेहरौनी की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहरौनी के चुनावी समीकरण पल पल बदल रहे हैं। कभी मन्नू कोरी तो कभी रमेश खटीक तो कभी साइकिल, कभी हाथ की बात लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के ओपिनियन हम लोग दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ है मेहरौनी के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत जी, क्या माहौल है मेहरौनी का? सौरभ जी, जैसा कि आप हमारे साथ में घूम रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अपन लोग चुनावी चौपालें कर रहे हैं, खास तौर से अपन बात कर रहे हैं आम मतदाता। सूर्यकांत जी बताएं, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल, और कोशिश हमारी यही है कि जो आम वोटर हैं उनके बीच में जाकर उनका रुख परखा जाए, क्योंकि राजनीतिक जो लोकल के नेता होते हैं उन्हें तो अपने अपने दल के गीत गाना है, अपने अपने प्रत्याशियों के गीत गाना है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आम मतदाता के बीच से रुझान लाएं। तो अभी हमने दर्जनों ग्रामों का भ्रमण किया है, और ये भ्रमण करते करते हम जा पहुंचे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पे, जो कि मदनपुर ग्राम है, और यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। मदनपुर से मेहरौनी तक क्या चल रहा है? मदनपुर से मेहरौनी तक सबसे अगर प्रमुख बात की जाए, सड़क की मुख्य बात आती है, तो सड़क तो शानदार चकाचक है, लेकिन सड़क के अलावा यहाँ पर कई ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं ग्रामीणों की, जिनसे उनका जनजीवन जो सामान्य स्थिति में होना चाहिए वो अभी जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया है ओवरऑल यदि देखा जाए। लेकिन अब चूंकि चुनावी माहौल है तो अब लोग अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं। नाराजगी इस बात को लेकर व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ अभी जो गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर उनके जनप्रतिनिधि बहुत कम क्षेत्र में आए हैं, और कोई ऐसे जो विकास कार्य जिस तरह के इन लोगों को सपने दिखाए गए थे उस अनुरूप कार्य नहीं। मदनपुर पत्थर का क्षेत्र माना जाता है, पत्थर का यहाँ पर व्यापार बिजनेस मौजूदा समय में टोटल बंद दिशा ही है जी, कोई पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाए पत्थर जी। अच्छी बात आपने कही है, यहाँ पे पत्थर के लिए ही मदनपुर जाना जाता है, जनपद के दूर दूर छोर तक यहाँ का ये पत्थर, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पत्थर के लिए जाना जाता था, बड़ी बड़ी छत्ती जिसको बोलते हैं सैनस्टोन पूरा ये वही है, और इसके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर भी बने हैं। यहाँ के ग्रामीण इतने कलाकार हैं कि इन पत्थरों को व्यवस्थित करके बहुत ही खूबसूरत घर भी तैयार करते हैं। लेकिन अब यहाँ का जो पत्थर व्यवसाय के तौर पर यदि बात की जाए, तो पत्थर का व्यवसाय पूर्व में काफी फल फूल रहा था। पूर्व की सरकारों में यहाँ पर पत्थर को लेके जो खदानें थी बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में श्रमिक भी कार्य करते थे, लीज पे दी जाती थी ये खदाने। अच्छा, चौपालों में क्या रिजल्ट आ रहा? मन्नू कोरी की बात हो रही है कि रमेश खटीक की बात हो रही है कि साइकिल की के हाथ का पंजा? देखिए, चूंकि जो जन चर्चाओं में से चीजें सामने आ रही हैं वो हूबहू हमें उजागर करना है, क्योंकि को नरब हो हमें कहानी, हम समाज के उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, किसी की भी सरकार रहे हमें अपना काम करना है। लेकिन जनता के बीच से जो बातें आ रही हैं, मन्नू कोरी से व्यक्तिगत तौर पे अधिकांश लोग, एक अच्छा बड़ा रेशियो नाराज चल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि मंत्री जी दूर से हाथ जोड़ते गाड़ी से निकल गए, उनके बीच में नहीं आए, उनकी समस्याओं को नहीं सुना। लेकिन वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है सौरभ जी, जिसका कहना है कि यदि मन्नू कोरी ने कोई बुरे काम, अच्छे काम नहीं किए, तो कोई ज्यादा बुरे काम भी नहीं किए, तो एक संतुष्टि आदमी धारण कर रहा है। साथ में योगी मोदी का फैक्टर उनके नाम पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भाजपा प्रत्याशी के गीत गा रहे हैं, व्यक्तिगत उसमें मन्नू कोरी की छवि को वो दरकिनार कर रहे हैं। वहीं जो बसपा कैंडिडेट हैं किरण रमेश खटीक, जो कि रमेश खटीक की धर्मपत्नी है, जो अभी इस समय जेल में निरुद्ध चल रहे हैं, तो इन विषम परिस्थितियों में उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो जनता का एक सिंपैथी वोट रमेश खटीक के साथ देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये रही है कि रमेश खटीक पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं ललितपुर के, और जिला पंचायत में भी उनकी परिवार की दखलंदाजी रही है, वर्तमान में उनके पुत्र राजकुमार खटीक सदस्य भी हैं, तो उनका क्षेत्र में राजनीतिक वजूद है। उसके साथ में एक उनकी एक जो छवि है, कोरोना काल में उन्होंने गरीबों के लिए मदद की, इसके अलावा उन्होंने मुक्ति वाहन भी नगर पंचायतों को सौंपे, हर सर्दियों में गरीबों को कंबल वितरण आदि जनता के बीच में जाते रहे हैं। तो एक अधिकांश वर्ग है जो गरीब शोषित वर्ग है, तो उनका कहना है कि सबसे ठीक रमेश खटीक, ये नारा भी चल रहा है। तो बसपा का जो वोटर वोट बैंक कहा जाता है वो भी यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। हालांकि
यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है, हमने कई जगह समीक्षा की है, खाबरी ब्रजलाल खाबरी जो हाथ के पंजा से आए हैं वो भी कुछ यहाँ पर बसपा का वोट काट सकते हैं, क्योंकि जन चर्चाओं में आ रहा है जिस तरह से हमने सुना कुछ गोपनीय बैठकों का दौर भी चल रहा है, सब जातिगत फैक्टर के आधार पे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जात का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा दखल है। तो कुछ यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि खाबरी भी बसपा को टक्कर क्या है, टक्कर क्या है, टक्कर के तौर पे यदि देखा जाए बात यहाँ पे सपा का जिक्र करना भी जी 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 है, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है वहाँ पोह की स्थिति बनी रही शुरू से, टिकट रद्द कर दिया, मतलब फेरा लाल का टिकट काटना भी मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का जो वोटर था उसके बीच में फेरन लाल का टिकट काटना एक बड़ा मुद्दा रहा, इससे नाराजगी गई है एक वर्ग में कि भाई या तो अगर नहीं देना था तो शुरू से नहीं देते, इसको बेइज्जती के तौर पे लोगों ने लिया है। दूसरी बात, जो रामविलास रजक है वो तालबेहट से है मुख्यतः, उनका क्षेत्र झररघाट वाला है, तो यहाँ वो आके चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने तो अभी विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम देखे तक नहीं है कि कहाँ पे किस दिशा में कौन सा गांव है, तो उन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और साथ में जो उनके मूल कार्यकर्ता हैं उनके बीच में गुटबाजी की चीजें भी स्पष्ट रूप से उजागर हुई हैं, तो ऐसे में काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन यादव वोट बैंक और इस बार कई जगह हमने देखा है कि अन्य जातियां भी सपा को सपोर्ट कर रही हैं, किसान वर्ग का लोग भी जुड़ रहा है, तो ऐसे में देखा जाए तो प्रत्याशी आने वाले दिनों में एक अपना स्थिति को तैयार भी कर सकता है। फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है, जो अनुमान है, कई जगह के रिजल्ट ये है कि त्रिकोणीय संघर्ष है बीजेपी बसपा और सपा में, तो वहीं अधिकांश लोग 50% से अधिक लोग मान रहे हैं कि बीजेपी वर्सेज बीएसपी की ये लड़ाई चल रही है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा सौरभ जी, इसके हम और आप कुछ नहीं कह सकते। सूर्यकांत जी मतदान पर, सूर्यकांत जी अपने विचार रख रहे थे, हकीकत जो उन्होंने बोली है वही हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे समीकरण कुछ बदल रहे हैं, लेकिन टक्कर जो है फूल और हाथी में दिख रही है, सपा कुछ कर सकती है अगर समय रहते उन्होंने सही कदम उठाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी आपका जी, धन्यवाद सौरभ जी, जारी रखें हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।